हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया। देखिए, अपन ने लास्ट क्लास में जेनेटिक्स वाला चैप्टर चालू किया था। मैंने आपको कुछ प्रॉमिसेस भी किए थे कि इस चैप्टर को जब पढ़ेंगे तो अपन सीधे कॉन्सेप्ट पे पढ़ेंगे। आज उसी चीज को अपन क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं कि जो इजीनेस इस चैप्टर को सीखने के लिए वो कैसे काम करेगी। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि नेक्स्ट वीडियो अपने को जरूर देखना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ टर्म्स पढ़ाने वाला हूँ। अपने लास्ट जो अपने वीडियो बनाया था उसमें हमने क्या पढ़ाया था, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी के साथ कुछ कैरेक्टर्स के बारे में बताया था। हाइट ऑफ प्लांट, कलर ऑफ फ्लावर, ये वाली चीज अपन ने कर ली थी, मेंडलिज्म पढ़ लिया था। उसके आगे का टॉपिक अपना आता है, वो है जेनेटिक्स की टर्मिनोलॉजी। भाई जेनेटिक्स समझने के लिए, भाई आप जैसे आज इंग्लिश पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके लिए आपने कभी एबीसीडी सीखी होगी, फिर आपने उसके वर्ड बनाना सीखा होगा, फिर आपने सेंटेंस फॉर्म करना सीखा होगा। बेसिक बिल्कुल आना चाहिए। मतलब अगर आपको एबीसीडी नहीं आती है ना तो वर्ड आता नहीं है, वर्ड नहीं आता तो क्या नहीं आती आपको, सेंटेंस बनाना नहीं आता। उसी चीज को मैं आज सिखाने जा रहा हूं आपको। जेनेटिक्स की 20 जो ये वर्ड है, ये एबीसीडी है अपने पास में, ऐसे समझ लीजिए। ये अगर आपको आती है या आपने आज अच्छे से समझ ली और साथ के साथ अपने दिमाग में उतार भी ली है, ठीक है, जो बहुत इजी है, अपने आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा फोकस करके सुनेंगे और अच्छे से देखेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगी। चलिए चालू करते हैं फिर आज का वीडियो। देखिए, पहले वर्ड तो अपन समझते हैं जेनेटिक्स का, मैंने आपको बताया था, तो वो हेरिडेटरी कैरेक्टर है, वो जनरेशन टू जनरेशन जब ट्रांसमिट किया जाता है उसे क्या किया था अपने, जेनेटिक्स किया था। उसी की कुछ टर्म्स पढ़ेंगे, कुछ वर्ड्स हम यूज करेंगे जेनेटिक्स में, जो आगे मेंडल साहब के प्रैक्टिकल पढ़ने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट जो मेंडल साहब ने किए हैं उनमें उन्होंने कौन कौन से वर्ड्स को काम में लिया था, कौन से नाम दिए उन्होंने, वो चीज पढ़ते हैं। चलिए जीन देखते हैं। जीन वो फैक्टर है, मेंडल साहब ने इसे फैक्टर नाम दिया था, बाद में जॉनसन साहब आए थे जिन्होंने इसे जीन नाम दिया था। कौन आए थे? जॉनसन। इन्होंने इस वर्ड को इंट्रोड्यूस किया। हाँ, ये बेसिक टर्म है, ये वो चीज है जिसकी वजह से आपके कैरेक्टर कंट्रोल किए जाते हैं, ठीक है। आपके अंदर बोलते हैं ना डीएनए या फिर क्रोमोसोम, तो अगर उसकी सबसे सिंपलेस्ट चीज को बोला जाए कि ऐसी कौन सी एग्जैक्ट चीज है जो आपके ट्रेट्स को कंट्रोल करती है, एक वर्ड बता रहा हूं आपको, ये क्या कहलाता है, आपका कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। ये क्या कहलाता है? कैरेक्टर कहलाता है। इसे आप जो कहते हो कलर ऑफ आई, जिसे मैंने कहा था, ठीक है, या आपकी हाइट, प्लांट की हाइट लेते हैं टॉल, ठीक है, वो जो चीज है वो यही है ट्रेट, बोलते जो जेनेटिक की टर्म है उसे ट्रेट कहा गया है। इन ट्रेट्स को जो कंट्रोल करने का काम करता है वो एग्जैक्ट चीज जो है उसे जीन कहा है। मेंडल साहब ने इसे फैक्टर कहा था, बाद में लेटर जॉनसन साहब ने इस वर्ड को बदल करके क्या कर लिया है, जीन। द थिंग विच कंट्रोल ऑल द ट्रेट्स ऑफ ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज जीन। आपके अंदर बहुत सारे ऐसे जीन होते हैं जिसकी वजह से आपकी हाइट, आईज का कलर, आपके जो मसल्स हैं, जो आपका चेहरा जिसकी वजह से बनाया वो है, आपकी एयर फिल्टर के नॉब्स हैं, ये जो नॉब्स होते हैं ये कुछ के टच हैं, कुछ के फ्री है, ये सारी चीजें किसके ऊपर है, जीन के ऊपर आती है। तो पहली टर्म सीखी अपन ने वर्ड जीन, आपको याद रखना है। मेंडल साहब ने नहीं दिया ये वर्ड, किसने दिया? जॉनसन साहब ने दिया। चलिए दूसरा है हमारा एलील। देखिए, एलील एक फिक्स ट्रेट को बोला गया है, एक ऑल्टरनेटिव ट्रेट होता है। क्या होता है? एक ऑल्टरनेटिव ट्रेट है। जैसे किसी चीज की हाइट ले लेते हैं अपन ने, मेंडल साहब वाला एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे हैं तो उन्हीं वाला काम कर लेते हैं, हाइट ऑफ प्लांट लेते हैं। तो देखो ऑल्टरनेट कैसे हो सकती है, एक कंप्लीट एल कैसे बोलेंगे, प्लांट की हाइट की बात करें अगर, प्लांट हाइट की अगर मैं बात करूं तो प्लांट के हाइट का जो ट्रेट है वो कैसा हो सकता है, या तो कैसा होगा, टॉल होगा विच इज रिप्रेजेंटेड बाय टी कैपिटल टी, या कैसा होगा, ड्वार्फ होगा, ड्वार्फ यानी बोनस, टॉल यानी लंबा, ड्वार्फ यानी छोटा। तो टॉल को कैपिटल टी से और इसे स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये चीज हमारा बन गया क्या, एली। क्या बन गया हमारा? एली। एली को अपन ने ध्यान रखा कैपिटल टी और हाइट, सॉरी कैपिटल टी टॉल के लिए और ड्वार्फ के लिए अपन ने लिया स्मॉल टी। आपको बस एक चीज ध्यान रखनी है, दिस इज ओनली वन कैरेक्टर, ये एक कैरेक्टर है प्लांट का। देखिए किसी चीज की अपन बात करें, हाइट की अगर अपन बात कर रहे हैं तो वो एक ही कैरेक्टर होगा, हाइट या तो लंबी हो सकती है या छोटी हो सकती है, ये दो ट्रेट नहीं है, दो कैरेक्टर नहीं है, ये एक ही कैरेक्टर है। हाइट या तो लंबी ही होती है या कैसी होती है, छोटी ही होती है। तो ये ऑल्टरनेट हो गए एक दूसरे के, ठीक है, और ये पूरे को क्या मिला करके बोल रहे हैं अपन, एलील बोल रहे हैं। तो ऑल्टरनेट रिप्रेजेंटेशन जो है जब एक किसी ट्रेट का, वो क्या कहलाता है, एलील कहलाता है। आप समझ गए होंगे, हाइट हो सकती है, शेप ऑफ सीड हो सकती है, कलर ऑफ सीड हो सकती है, कलर ऑफ फ्लावर हो सकता है, कोई भी हो सकता है। लेकिन जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल बोलता हूं मैं आपको, यहां से नहीं सुनना है,
सीड है वो या तो राउंडेड होगा, बिल्कुल गोल होगा, जिससे बिल्कुल भी रिंकल नहीं होंगी, झुर्रियां नहीं होंगी, या फिर उसमें झुर्रियां होंगी तो रिंकल होगा हमारा। तो ये एक कैरेक्टर हमारा हो गया, एलील हो गया फर्स्ट जीन का, जिस जो ये कैरेक्टर है इसे एक जीन कंट्रोल करता है, ये एक एलील है पूरा, ठीक है। अब बात करते हैं होमोजाइगस और हाइड्रोजाइगस। देखिए एलील्स को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, जैसे टोल का मैंने लिया है तो टोल का ये एलील है, ठीक है, और डॉल्फ का ये। अगर कोई ऐसी कंडीशन हो, होमो का जैसे मैंने आपको लास्ट जो अपने केमिस्ट्री वाला चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको बताया था होमो का मतलब होता है सिमिलर, और हेट्रो जो वर्ड है उसका मतलब है डिसिमिलर। भाई होमो का मतलब है समान, दो कॉमन चीज एक जैसी दिखने वाली। अगर कोई ऐसा रिप्रेजेंटेशन हमारे पास में है एलील का जिसमें दोनों एलील सिमिलर हो, यानी कि जैसे ये भी सिमिलर है, ये भी सिमिलर है, एक दूसरे के क्या है सिमिलर है, तो दिस इज द होमोजाइगस ट्रेट। यहां देखिए दोनों स्मॉल टी है मेरे पास में, यानी कि दोनों एक दूसरे के क्या है बिल्कुल कॉपी पेस्ट है, तो ये भी कैसा है होमोजाइगस है। होमो का मतलब मैंने आपको बता दिया सिमिलर होता है, क्या होता है सिमिलर, ठीक है। जाइगस ट्रेट्स के लिए यूज कर रहे हैं अपन, होमोजाइगस ट्रेट्स वो होंगे जिसमें दोनों एलील कैसे दिखते हो कॉमन दिखाई देते हो, वो ये भी हो सकता है कैपिटल वाई, कैपिटल वाई भी हो सकता है, और स्मॉल वाई भी हो सकता है। आगे सुनो, चलिए अब मैंने होमोजाइगस बताया तो हाइड्रोजाइगस की बात करते हैं। इसका अपोजिट है, इसका जस्ट अपोजिट है, एक ऐसा हो और एक ऐसा हो, तो देखिए दोनों सिमिलर तो रहेंगे, दोनों कैसे हो गए डिसिमिलर हो गए, दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं मुझे, एक कैपिटल टी दिखाई दे रहा है और एक स्मॉल टी दिखाई दे रहा है, तो एलील दोनों बदल गए, एक कैपिटल टी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है और एक स्मॉल टी से, तो इसका जस्ट अपोजिट क्या बन गया है हाइड्रोजाइगस बन गया है, या फिर ये कैपिटल वाई और ये स्मॉल वाई, ये भी एक एलील है, ये भी क्या है एक एलील। तो अपन देख सकते हैं दो अलग अलग एलील थे उनको मिला करके क्या बन जाता है हाइड्रोजाइगस बन जाती है कंडीशन। हेट्रो का मतलब है डिफरेंट डिफरेंट, जहां दोनों एलील क्या हो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग दिखाई देते हो। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिनोटाइप। देखो फिनोटाइप बोलते हैं एक्सटर्नल अपीयरेंस या फिजिकल अपीयरेंस, आदि बाहर से कैसा दिखाई दे रहा है ये उसका फिनोटाइप होता है। जैसे मैं थोड़ा स्मार्ट दिखाई दे रहा हूं आज, ठीक है, तो ये मेरा एक्सटर्नल अपीयरेंस है, ठीक है, आप थोड़े से और स्मार्ट दिखाई दे रहे होंगे शायद, ठीक है, तो ये आपका बाहर वो है, ठीक है, फिनोटाइप। जैसे आदमी को आप बाहर से देख के तुरंत बता दें मोटा है पतला है गोरा है काला है, ठीक है, सुंदर है हैंडसम है सुंदरी है, ठीक है, ब्यूटीफुल है, ये सब चीजें किसकी है फिनोटाइप, आप देख के बता सकते हो, बाल लंबे हैं कि छोटे हैं, ठीक है, तो आप उसके लिए आपको उसके अंदर जाने की जरूरत नहीं, जीन देखने की जरूरत नहीं है, तो ये उसका क्या कहलाता है फिनोटाइप कहलाता है। एक्सटर्नल और फिजिकल अपीयरेंस ऑफ एनी कैरेक्टरिस्टिक्स इज कॉल्ड फिनोटाइप, जिसमें आप उसकी बॉडी शेप देख करके बता सकते हैं। लाइक एक छोटा सा एग्जांपल मेंडल साहब के अकॉर्डिंग देखते हैं, प्लांट की हाइट को देखने के लिए आपके उसके अंदर घुसना तो जरूरी नहीं है ना, अपन बाहर से देख के बता सकते हैं ना कि प्लांट छोटा है और ये प्लांट कैसा है बड़ा है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया हमारा फिनोटाइप का। एक्सटर्नल अपीयरेंस मैटर करेगी इसमें, हमारे एक्सटर्नल या फिजिकल जो अपीयरेंस होगी वो मैटर करती है। अब उल्टा कर लेते हैं इसको, इसी वर्ड को उल्टा कर लेते हैं, तो एक्सटर्नल की जगह अगर हम चले जाएं इंटरनल, और इंटरनल से मतलब है जेनेटिक अपीयरेंस, कौन सी जेनेटिक अपीयरेंस, किस तरीके की जीन की वजह से उसकी हाइट कैसी है। जैसे मान लीजिए ये वाला एग्जांपल अपन ने लिया था टॉल वाला, अगर मान लीजिए कोई कैरेक्टर ऐसा आ रहा है, ठीक है, टी टी, तो इसकी वजह से प्लांट की हाइट कैसी हो जाएगी टॉल हो जाएगी, तो ये जो चीज है कैपिटल टी और कैपिटल टी, ये जो एलील रिप्रेजेंट हो रहा है ये इसका क्या कहलाएगा जीनोटाइप, यानी कि जो जीन को लिखने का तरीका है वो क्या है जीनोटाइप। भाई ऐसा कौन सा जीन था जिसकी वजह से प्लांट की हाइट कैसी हो गई लंबी हो गई या ड्वार्फ हो गई, ड्वार्फ का भी एग्जांपल लिख सकते हैं स्मॉल टी स्मॉल टी, तो ये दोनों ही चीजें क्या कहलाती है जीनोटाइप। तो फिनोटाइप का उल्टा, फिनोटाइप बाहर से देख के बता सकते हो, जीनोटाइप के लिए आपको पता करना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर किसकी वजह से आया था, कि मैंने हाइट वाला एग्जांपल दिया ना, लंबा पेड़ है छोटा पेड़ है, मैंने बाहर से देख के बता दिया, विच मींस इट्स अ फिनोटाइप, बट व्हाई इट इज लॉन्ग और व्हाई इट इज डॉग, तो जो आपका रीजन है विच इज जीन, तो वो आपको रिप्रेजेंट करना है, तो वो कौन सा रिप्रेजेंटेशन होगा हमारा जीनोटाइपिक रिप्रेजेंटेशन होगा, ठीक है। द सिक्स्थ टर्म जो अपन ने पढ़ी है विच आर जीन एलील होमोजाइगस जो सिमिलर होते हैं डिसिमिलर हेट्रोजाइगस, फिनोटाइप बाहर से और जीनोटाइप अंदर से। नेक्स्ट डोमिनेंट कैरेक्टर, ये मेरा फेवरेट है,
ठीक है, ये मेरा फेवरेट क्यों होना चाहता हूं आपको। डोमिनेंट उस आदमी को बोलते हैं जैसे अपने घर में अक्सर आदमियों की नहीं चलती है, ठीक है, ये बाहर के लोगों को लगता है चलती है, अंदर चलती मम्मी की होती है आपके, ठीक है। तो जो ये चीज है वहां पर मम्मी क्या होगी, डोमिनेंट है, या किसी के घर में जैसे नाना जी की चलती है, दादाजी की चलती है, आपने देखा होगा, मामा जी की चलती है, पापा की चलती है जगह, या भाई बहनों में बड़े भाई की चलती है, बड़ी बहन की चलती है, तो वो बाकी सब पे कैसा है, डोमिनेंट है, ठीक है, जिसकी हमेशा चलती हो, डोमिनेंट उसे बोलते हैं। एक और एग्जांपल देता हूं, अपने गली मोहल्लों का हमेशा जो मैं एग्जांपल देता हूं, बहुत सारे डॉग्स होते हैं हमारी गली में, बहुत सारे क्या होते हैं डॉग्स, तो अपने गली में बहुत सारे डॉग्स होते हैं, लेकिन आप देखना उन डॉग्स में से एक ऐसा होता है जो थोड़ा सा ताकतवर होता है, बाकी सब डॉग्स उनके सामने नहीं चलती है, ठीक है, उस सर्वाइवल में बहुत फिट होता है। तो अगर किसी को खाना सर्व करें, कोई उन्हें खाना दे रहा है सब डॉग्स को, तो वो पहले जाएगा, वो पहले खाएगा, अगर वो इंटरेस्टेड होगा तो खाएगा, नहीं है तो नहीं खाएगा, उसका पेट भरा हुआ लेकिन जाएगा जरूर, ठीक है। तो बाकी डॉग्स क्या नहीं करते, उसके सामने लड़ने वड़ने की हिम्मत नहीं दिखाते, क्योंकि वो क्या है, थोड़ा सा मस्कुलर है। ऐसा ही अपने आसपास में आपकी क्लास में भी होगा, पक्का कोई पक्का एक बॉय ऐसा होता है जो थोड़ा सा हाइट वाइट अच्छी होती है, तो ऐसे ताकतवर होता है, उसके सामने बाकी बॉयज क्या नहीं करते, फालतू के लड़ाई वड़ाई नहीं करते, तो डोमिनेंट कहते हैं हम ताकतवर को। तो ऐसा ही मैंने सामने कहा कि अगर कोई ऐसा कैरेक्टर है जो F1 जनरेशन में अपने आप को अपीयर कर देता है, ये रूल भी बन गया नहीं का कि F1 जनरेशन में जो कैरेक्टर अपने आप को रिप्रेजेंट करता है वो कैसा कैरेक्टर कहलाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है, यानी कि जिसकी चलती है उसी को डोमिनेंट अपन कहेंगे। कैसे एक्सप्लेन करेंगे ये अपन पूरा एक बार बहुत जब पढ़ेंगे ना तब आप अपन अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे बहुत दोबारा, लेकिन आप समझ लीजिए कि बस यहाँ है इतनी सी बात है कि ऐसा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन में रिप्रेजेंट होता है, कौन सी वाली में, F1 जनरेशन क्या होती है आगे मैं बताने वाला हूं आपको। ऐसा कैरेक्टर जो F1 जनरेशन फर्स्ट जनरेशन में अपीयर हो जाता है, जो कैरेक्टर अपने आप को लेके आता है दिखाता है, ठीक है, वो कैरेक्टर क्या कहलाता है, डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है। छोटा सा एग्जांपल के साथ देता हूं, कोई एग्जांपल मदर है जो थोड़ी से शाइनी है, मतलब सुंदर है, ठीक है, और फादर हल्के से डार्क कलर के हैं, ठीक है, तो और उनका बच्चा हुआ कैसा, गोरा बिल्कुल। तो यहां पे डोमिनेंट कैरेक्टर किसका आ गया, मदर का आ गया, फादर का जो डार्क कलर का जो जीन था ना वो चुपचाप बैठ गया, चली किसकी, मदर वाले गोरे वाले जीन थी, तो ये वाला कैरेक्टर यहां पे कौन सा हो गया, डोमिनेंट, आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। दूसरा है रिसेसिव कैरेक्टर, देखिए जिसकी चली वो तो कौन सा था, डोमिनेंट कैरेक्टर था, और जिसकी नहीं चली वो कौन हो गया, रिसेसिव कैरेक्टर हो गया, चुपचाप जो शांति से काम करते हैं वो कहलाते हैं कौन से कैरेक्टर, रिसेसिव। डोमिनेंट जो F1 जनरेशन में अपीयर हुए और जो नहीं अपीयर हो गए वो कौन से कहलाएंगे, रिसेसिव, यानी कि पापा का जीन कैसा है, रिसेसिव जीन है, यानी कैरेक्टर कैसा है पापा वाला, रिसेसिव, काला होने वाला कौन सा था, रिसेसिव। चलिए आगे देखते हैं मोनो हाइब्रिड क्रॉस। देखिए अगर आप एक कैरेक्टर को लेकर के क्रॉस करवा रहे हैं, फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन करवा रहे हैं, एक कैरेक्टर का मतलब प्लांट की हाइट, एक कैरेक्टर है, लंबा और छोटा होना एक कैरेक्टर नहीं है, प्लांट की हाइट एक कैरेक्टर है, सीड की शेप एक कैरेक्टर, चाहे वो गोल हो चाहे रिंकल हो, लेकिन कैरेक्टर कैसा है, एक है। तो अगर आप मोनो का मतलब यह है मैंने यहां पर क्या, वन सिंगल ट्रेड अगर मैं यूज कर रहा हूं, ठीक है, तो ये कैसा कैरेक्टर, कौन सा क्रॉस होगा, हाइब्रिड का मतलब आप समझ ही गए हैं, दो को मिक्स करवाने वाला, दो अलग अलग एलिप्स को क्या करवा रहे हैं अपन, मिक्स करवा रहे हैं, तो मोनो हाइब्रिड में अपन क्या कर रहे हैं, एक कैरेक्टर लेंगे और उनके बीच में क्रॉस करवाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, जैसे टॉल और ड्वार्फ, तो दिस इज द कैरेक्टर ऑफ हाइट ऑफ प्लांट, ये प्लांट की हाइट का कैरेक्टर, इट्स सिंगल कैरेक्टर, हाइट ऑफ प्लांट, यानी कि मोनो कैरेक्टर है, इट इज हाइट ऑफ प्लांट, बट इट इज टू डिफरेंट फॉर्म्स, द फर्स्ट वन इज टॉल एंड द अनदर वन इज ड्वार्फ, बट इट्स अ सिंगल कैरेक्टर। तो ये कौन सा क्रॉस कहलाएगा, मोनो हाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा, जिसमें आपको सिर्फ एक कैरेक्टर लेना है, टॉल और ड्वार्फ के बीच में आपको क्या करवा देना है, क्रॉस करवा देना, और आपका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। अगर आपने कैरेक्टर दो कर दिए, दो करेक्टर कर दिए, करेक्टर कैसे कर दिए, जैसे आपने एक तो हाइट ले ली थी, एक शेप ऑफ शीट भी ले ली, जैसे मान लीजिए आपने एक तो हाइट, हाइट और एक ले लिया शेप, ठीक है, हाइट ऑफ प्लांट और शेप ऑफ सीड, तो दो करेक्टर हो गए मेरे पास में, हाइट या तो लंबी होगी या डॉर होगी, ठीक है, और सीप के शेप कैसी होगी, या तो गोल होगी या रिंकल होगी, तो कितने करेक्टर आ गए, दो। अगर दो करेक्टर के बीच में अपन क्रॉस करवा रहे हैं तो कौन सा करेक्टर क्रॉस कहलाएगा, डाई, डाई का मतलब कितना है, दो, मोनो का मतलब कितना है, एक, डाई का मतलब कितना है, दो, मोनो का मतलब एक। अगर मैं तीन करेक्टर कर देता हूं तो कैसा क्रॉस हो जाएगा मेरा,
ट्राइहाइब्रिड। यहाँ पे कितने कैरेक्टर लेने हैं? दो तीन। यहाँ पे कितना लिया है? एक। यहाँ पे कितने लिए हैं? दो। अगर तीन से ज्यादा वाला है तो मेरे को गिनती आती है, इसलिए मैंने उसको वर्ड नाम दिया है पॉलीहाइब्रिड। मेरे को तीन तक ही आती थी, ठीक है ना, तो मैंने तीन तक तो ले लिया, हाइड्रोप्लांट, कलर ऑफ सीड और कलर ऑफ प्लांट, तीन कैरेक्टर मैंने लेकर के क्रॉस करवा रहा हूं, तब तक तो मुझे याद रहता है, तो मैंने नाम दे दिया ट्राइहाइब्रिड क्रॉस। तीन कैरेक्टर के बीच में करवाया जाने वाला क्रॉस कौन सा कहलाता है? ट्राइहाइब्रिड क्रॉस कहलाता है। बट अगर मैं तीन से ज्यादा करता हूं, ठीक है, मैंने तीन से ज्यादा कैरेक्टर लिए तो मुझे गिनती नहीं आती, तो मैंने मोर देन थ्री लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है, मोर देन थ्री पॉलीहाइब्रिड होंगे सारे। तीन से जितने भी ज्यादा ले लो आप, चार हो, पांच हो, दस लो, मेरे तरफ से कितने भी लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे तरफ से तो वो क्या कहलाएगा? पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहलाएगा। और ये साफ बात धीरस्थर नहीं कह रहे हैं, ये मेंडल साहब कहते हैं, ठीक है, कहीं आप पर्सनली ले लो तो धीरस्थर को मना कर रहे थे कि तीन से ज्यादा होते नहीं, ये मेंडल साहब कहते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं टेस्ट क्रॉस की। सिंपल सा क्रॉस है, क्रॉस के असर पर चेक करने के लिए भाई ये जो तीन आगे के क्रॉस में आपको करवाने वाला हूं, ये आप अपने जो आप मेंडल साहब ने जो एक्सपेरिमेंट किए थे ना उनको चेक करने के लिए किया गया, उनको क्या किया गया? चेक करने के लिए कहा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टेस्ट क्रॉस में अपने को क्या करना होगा। आपको जो F1 जनरेशन मिली है, F1 जनरेशन में आपको पहले एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिए ये दो वर्ड यहां पे है, क्लीन वर्ड से पहले अपन इनको सीखते हैं। F1 जनरेशन फीलियल जनरेशन वन कहलाती है। फीलियल का मतलब है, जैसे मान लीजिए आपने कोई दो सिंगल पेरेंट्स लिए हैं, सॉरी पेरेंट्स लिए हैं दो, इनके बीच में जो क्रॉस करवा, इनसे जो बच्चे आएंगे ना, जो ऑफ स्प्रिंग्स कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑफ स्प्रिंग्स कहते हैं अपन जनरल लैंग्वेज में, और इन्हें बोलेंगे F1 क्योंकि पहली बार पैदा हुआ, सब पहली बार ही पैदा होता है सॉरी, लेकिन जो पेरेंट्स से जो पहले बच्चे पैदा हुए उन्हें क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? F1 जनरेशन बोलते हैं। अगर मैं इन्हें उगा दूं, मान लीजिए इनके बीच में रिप्रोडक्शन करा रहे हैं, ठीक है, तो इनसे जो बच्चे पैदा होंगे वो कौन सी कहलाएगी? F2 जनरेशन कहलाएगी। आगे समझ में आपको F1 जनरेशन और F2 जनरेशन, दो पेरेंट्स लिए उनके बीच में क्रॉस करवाया है, उनसे होने वाले बच्चे F1 जनरेशन कहलाती है, ठीक है। जैसे आपके माता पिता के आप इकलौते बच्चे तो आप क्या हो गए? F1 जनरेशन हो गए, ठीक है। फिर आपके कभी बच्चे होंगे तो F2, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे टेस्ट क्रॉस। अब समझ सकते हैं अपन टेस्ट क्रॉस क्या होता है। टेस्ट क्रॉस में अपन क्या करते हैं, जो ये F1 जनरेशन आई है ना, इसका क्रॉस हम क्या करते हैं? एक होमोजाइगस पेरेंट से करवा देते हैं। पेरेंट्स ऐसा होना चाहिए, बस आपको ये याद रखना चाहिए, ठीक है। और F1 जनरेशन कौन सी आई थी आपकी? ये वाली। तो अगर कोई भी आए थे जो F1 जनरेशन का क्रॉस, अपने को क्या करवाना है? इससे करवाना है, पेरेंट्स से। लेकिन होमोजाइगस होना चाहिए, मतलब होमोजाइगस का मतलब दोनों एलील कैसे होने चाहिए? सेम होने चाहिए। ये क्रॉस अपन डिटेल में पढ़ने वाले आगे पूरा, इसके जैसे जो चार्ट बनती है पूर्ण टेबल के अकॉर्डिंग वो पढ़ेंगे अपन, ठीक है। फिर दूसरा आता है बैक क्रॉस। बैक का मतलब क्या होता है? पीछे, है ना, तो पीछे से चलते करो। तो इसमें क्या होती है, जो F1 जनरेशन है ना उसका क्रॉस अगर आप किसी भी पेरेंट से करवा दो, किसी भी पेरेंट से करवा दो, तो वो कौन सा कहलाएगा? बैक क्रॉस कहलाएगा। इसमें और इसमें इतना ही अंतर है, आपको होमोजाइगस ही पेरेंट्स लेना है, ध्यान रखना। जनरेशन तो F1 ही आएगी, हाइब्रिड ही बनेगा आपको यहां पे, तो हाइब्रिड का किससे? पेरेंट से। और हाइब्रिड का किसी भी पेरेंट से, हाइब्रिड का किसी भी पेरेंट से, तो वो क्या कहलाता है? बैक क्रॉस कहलाता है। अब आते हैं रेसिप्रोकल। वर्ड सुना हुआ होगा, मैथमेटिक्स पढ़ते होगा ना, क्या करते हैं रेसिप्रोकल में अपन? इसको उल्टा कर देते हैं, ऐसा ही तो है ना, कुछ सेम वही है। मैंने मान लीजिए कोई कैरेक्टर लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं इस एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैंने ये मेल लिया है, अभी इसको मैंने क्या बताया है? मेल लिया है। और इस कैरेक्टर को लिया है फीमेल, बताओ कोई दिक्कत है तक? भाई ये मैंने कैरेक्टर लिया मेल है और ये क्या लिया है? फीमेल लिया है, और इनका क्रॉस करवा लिया। अब मैं जो नेक्स्ट जनरेशन लेने वाला हूं इसमें मुझे क्या करना है? उल्टा करना है। मुझे जो मेल बनाना है वो क्या लेना होगा? इसे, और जो फीमेल लेनी है ना मुझे वो ये। तो इसका ये क्या है? रेसिप्रोकल है, उल्टा है। तो आप जिसको मेल बना रहे हो उसको क्या कर लो? फीमेल बना लो, और जिसको फीमेल बना रहे हो उसको क्या करना है? अपने को मेल बनाना है। तो ये कौन सा क्रॉस कहलाता है? रेसिप्रोकल क्रॉस कहलाता है, जस्ट उल्टा, जस्ट रिवर्स करना। चलिए आगे समझ में आया। अब बात करते हैं पेरेंट्स जनरेशन की। पेरेंट्स जानते हैं आप किसे कहते हैं? माता पिता। अभी अभी दो वर्ड यूज कहते हैं पेरेंट्स, उसी को क्या कहते हैं अपन? उन्हीं की बात कर रहे हैं अपन कि क्या पेरेंट्स कौन कहलाएंगे। जैसे देख लीजिए यहां पे अपन ने इनको क्रॉस करवाया, तो ये क्या है? पेरेंट्स, जिनके बच्चे होने वाले हैं, जिनसे अपने को क्या मिलेंगे? गैमेट्स मिलेंगे, वो क्या कहलाते हैं? पेरेंट्स कहलाते हैं। और इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं अपन, जब अपन टेबल बनाएंगे ना पूर्ण टेबल, जैसे आप पी से रिप्रेजेंट
कर सकते हैं। फीलियर जनरेशन का मैंने आपको बताया, अगर पहली जनरेशन आ रही है ना, पहले बच्चे जो होते हैं ऑफ स्प्रिंग्स जिन्हें बोलते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, एफ1 जनरेशन बोलते हैं, फीलियर जनरेशन वन। सेकेंड वाले को क्या बोलेंगे, एफ2। फिर और करवा रहे हो तो एफ3 एंड सो ऑन, वाला पॉलीहाइब्रिड वाला नियम है, सो ऑन लगा दिया आपका मैंने, अब आप जानो आपका काम जाना है। देखते तो ये कैसा हो गया, फीलियर जनरेशन दो तक बता दी मैंने, तीन सर अपन आगे बढ़ेंगे। चलिए अपन देखते हैं मोनोहाइब्रिड और डाईहाइब्रिड क्रॉस। देखिए मोनो का वर्ड का मतलब मैंने आपको एक बताया था, और डाई का मतलब बताया था मैंने दो, सेम वही चीज है। अगर आपने कोई क्रॉस करवाया है एक कैरेक्टर के साथ में, जैसे हाई ये वाला कैरेक्टर जो आपने क्रॉस करवाया था, इसका अगर आप कोई रेशो निकाल के दे रहे हैं इसके जर्मिनेशन के बाद में, जो इसके रिजल्ट का जो रेशो निकाल के दे रहे हैं, तो वो रेशो कौन सा कहलाएगा, मोनोहाइब्रिड रेशो कहलाएगा। दो कैरेक्टर के बीच का रेशो निकाल के दे रहे हैं तो डायहाइब्रिड रेशो कहलाएगा। ये रेशो निकालना आप सीखेंगे पूरा डिटेल में, ठीक है, जब आपको ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि आप थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल समझता है इंसान, ठीक है, विजुअली किसी चीज को देख लेता है ना, तो उसे लर्निंग उसकी लॉन्ग टाइम होती है। तो और मैंने जब तो आपको प्रॉमिस किया था कि आप चैप्टर को बिल्कुल नहीं भूलेंगे, कि भाई चार नंबर का चैप्टर है, चार नंबर पूरे पूरे मिलने चाहिए, तो ये बिल्कुल ऐसा कैसा रहेगा। मोनोहाइब्रिड में आपको ध्यान रखना है, जो ये क्रॉस करवाएगा मोनोहाइब्रिड क्रॉस सिंगल पेरेंट्स के बीच में, उसका जो रिजल्ट है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का रिजल्ट रेशो कहलाता है। और जो आप डायहाइब्रिड क्रॉस का रेशो निकलेंगे, मतलब दो दो नंबर का दो कैरेक्टर के बीच में आप जो रेशो निकाल के लिखेंगे वो कौन सा कहलाएगा, डायहाइब्रिड रेशो कहलाएगा। तो इस तरीके से अपने 20 बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़ी, जिसमें जीन एलील होमोजाइगस हेटेरोजाइगस फिनोटाइप अपन ने देखा, बाहर से जो दिखता है, जीनोटाइप जो अंदर से दिखता है, डोमिनेंट मम्मी वाला एग्जांपल दिया था ना वो, रिसेसिव जो नहीं आ पाए पिताजी वाला, मोनोहाइब्रिड एक कैरेक्टर, डायहाइब्रिड दो कैरेक्टर, ट्राइहाइब्रिड में तीन कैरेक्टर के बीच में अपन क्या करवाते हैं, क्रॉस करवाते हैं। और तीन से ज्यादा होते हैं अपने को याद रहता नहीं, तो अपन किस क्या कहेंगे उसे, पॉलीहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। टेस्ट क्रॉस में मैंने आपको बताया होमोजाइगस पेरेंट्स का किसके साथ में, F1 जनरेशन के साथ। बैक क्रॉस में F1 जनरेशन का किसी भी पेरेंट्स के साथ में। रेसिप्रोकल में मदर जो फादर थे, जो अभी फादर थे उन्हें नेक्स्ट जनरेशन में अपने को मदर बनाना है, मदर को क्या बनाना है, फादर बना देना है। पेरेंट्स माता पिता, फिलियर मतलब बच्चे, पहली बार वालों को F1 और दूसरी बार वालों को F2। मोनोहाइब्रिड रेशो और डायहाइब्रिड रेशो अभी एक्सप्लेन किया, तो इस तरीके से अपने 20 बेसिक टर्मिनोलॉजी सीखी। आगे के वीडियो में अपन मिलेंगे मेंडल साहब के लॉ के साथ में, बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, बहुत अच्छे से आ जाएगा। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, बाय।